डिजिटल युगमां चोर पण आधुनिक तरकीबો અજમાવી બેંક એકાઉન્ટમાંથી લાખો રૂપિયા ઉપાડી લેવાની અનેક ફરિયાદો સામે આવી છે. આવી જ એક ફરિયાદ બાદ દમણ પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી 16 લાખની ઉચાપતનો ગુનો નોંધી નાખ્યો છે. દમણમાં એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝરને ઇટલીમાં લગ્નની ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું કહીને તેના બેંક એકાઉન્ટમાં 16 લાખ રૂપિયા જમા કરાવી ટીમ વ્યુઅર ઇન્સ્ટોલ કરેલ મોબાઈલ ભેટ આપી 16,09,600 રૂપિયા બેંક ખાતામાં ઉપાડી તેની બીટકોઈન ખરીદી તેને ભારતીય ચલણમાં અલગ અલગ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી કેશ ઉપાડી લેનાર બે બેજાબાજની દમણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. દમણના પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે દમણ જિલ્લા પોલીસ વડા વિક્રમજીત સિંઘે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરી દમણના એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝર બેંક એકાઉન્ટમાંથી 16 લાખની રકમ ઉપાડી લેનાર આરોપીની ધરપકડ અને મોડ્સ ઓપરેડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ અંગે દમણ જિલ્લા પોલીસ વડા વિક્રમજીત સિંઘે વિગતો આપી હતી કે ડિસેમ્બર 2020માં એક ફરિયાદને બેંક એકાઉન્ટમાંથી ભેજાબાજ આરોપીને 16 લાખ રૂપિયા ઉપાડી લીધા છે, જેને 71 ઇવેન્ટ્સના નામથી કંપની ચલાવતા ઇસમને પકડાયેલ બંને આરોપી સોહેલ મંગલદાસ મોર ઝારિયા અને કિશન નાગરદાસ બોકાણી ઇટલીમાં લગ્નનો કાર્યક્રમ યોજવાનો હોય તે ઇવેન્ટનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવાની લાલચ આપી ઠગાઈ આચરી હતી. दिसंबर 2020 के एंड में एक कंप्लेनेंट के साथ एक धोखाधड़ी का मामला हुआ था जिसमें उसके अकाउंट से 16 लाख रुपए गायब कर दिए गए थे. इसमें कंप्लेनेंट ने हमें जनवरी के महीने में अप्रोच करके FIR रजिस्टर की थी और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करते हुए हमने ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम का मैटर दमन पुलिस ने सॉल्व किया है. इसमें जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने फेक आइडेंटिटीज़ यूज़ की थी और फेक अकाउंट्स यूज़ किए थे अनसस्पेक्टिंग बहुत ही गरीब तबके के लोगों के अकाउंट्स यूज़ करके. उससे पैसा इन्होंने ट्रांसफ़र किया, बिटकॉइन खरीदा गया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के थ्रू और दोबारा उसको मास्क करके बिटकॉइंस की आइडेंटिटी को फिर उसको रिकन्वर्ट किया गया इंडियन करेंसी में और अलग अलग बैंक अकाउंट्स के माध्यम से वो कैश विड्रॉल कर लिया गया. इसमें हमने 1 लाख रुपए कैश रिकवर किया है और करीब 9 लाख रुपए का कैश विड्रॉल अक्यूज्ड ऑलरेडी कर चुके हैं और करीब 2.5 लाख रुपए कैश जो था कन्वर्ट किया था वो बिटकॉइन अभी भी एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के अंदर फ्रीज करवा दिए गए हैं. सर, किसके सामने मामला हुआ था और क्या मामला है? ये मामला ऐसा है कि इसमें जो कंप्लेनेंट है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी चलाता है और उसको अप्रोच किया था अक्यूज्ड ने ये कहकर कि एक शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है किसी बाहर की कंट्री में इटली के अंदर. उसके लिए उसके अकाउंट के अंदर मिनिमम 16 से 18 लाख होने ज़रूरी हैं ताकि उसका वीज़ा प्रोसेसिंग के अंदर कोई दिक्कत ना आए. और ये कन्विंस करने के बाद अक्यूज्ड ने विक्टिम को एक मोबाइल गिफ्ट किया जिस मोबाइल के अंदर टीम व्यूअर नाम की एप्लीकेशन यूज़ की. उस टीम व्यूअर एप्लीकेशन के माध्यम से अक्यूज्ड ने विक्टिम के मोबाइल से OTP और उसके बैंक अकाउंट की सारी लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स कॉपी कर ली और रात को करीब 3 बजे 28 तारीख को उसके अकाउंट से 16 लाख रुपए गायब कर लिए. सर, कौन सी धारा लगाई गई है इसमें? इसमें IPC की अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं जैसे 420 IPC, 406 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66 के अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें. कितने आरोपी को पकड़ा गया? 2 आरोपियों को अभी अरेस्ट किया गया है इसके अंदर और उनसे अलग अलग फर्जी दस्तावेज, अलग अलग आइडेंटिटी कार्ड्स, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड ये बरामद किया गया है. आरोपी कहीं और